हेलो एवरीवन हेलो वेलकम टू इंजीनियर सड्डा आप सभी का स्वागत है मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत कर अभिनंदन करता हूं पिछले सैटरडे को जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लो हो गया था और आप भी जानते हैं कि कोरोना के समय में इसका कोई निदान भी नहीं है कोई सोल्यूशन भी नहीं है अगर चल जाए तो बहुत बढ़िया <laughs> और नहीं चले तो कोई बात नहीं लेकिन हालांकि आज हम अच्छा कर पा रहे हैं हालांकि और दूसरा मैंने रागनी पांडे जी का कुछ कमेंट देखा है थोड़ी सी उत्तेजित हैं लेकिन सेशन की लास्ट में बात करूंगा मैं ठीक है तो बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखें दूसरी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा लेट आते हैं और जैसे कि सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण सही से तो फिर उन्होंने काफ़ी बाद में मैसेजेस किए और काफ़ी क्या कहते हैं कमेंट्स किए कि सर क्लास नहीं हुई क्या क्लास नहीं हुई क्या सर सर ये वो ठीक है तो अगर आप समय से रहते तो आपको पता चलता कि क्लास ठीक है तो ये समय से रहने का एक फ़ायदा होता है चलिए बेसिक नॉलेज की नए सेट में आप सभी का स्वागत है और आज हम कोल्ड फॉर्म स्टील्स की बात करने वाले हैं ठीक है आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि पीछे हम फ्रेम्स टाइप का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ठीक है ये आप बेसिकली स्टील का स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये स्टील का हम बना रहे हैं ठीक है ये जरूरत कहाँ से आई है जरूरत हम बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं वो हॉट रोल स्टील इस्तेमाल करते हैं हॉट रोल जो स्टील होती है उसको मिल के अंदर मिल के अंदर क्या किया जाता है जो नॉर्मली स्टील होता है उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं जनरली कितना टेम्परेचर 926 डिग्री सेल्सियस लगभग ठीक है लगभग आप मान के चल सकते हैं 920 से 930 डिग्री सेल्सियस के बीच की वैल्यू कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है ये ठीक है अगर आप इसके अबव ले जाते हैं तो रिक्रिस्टलाइज कर सकता है मतलब आप उसका क्या कर सकते हैं उसको उसका शेप मोल्ड कर सकते हैं उसको कोई भी शेप दे सकते हैं ठीक है थीके? तो वन द स्टील इज अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर आप उसके क्रिस्टल्स का शेप चेंज कर सकते हैं इट कैन बी शेप्ड और फॉर्म्ड इजिली ठीक है तो उसको किसी भी शेप दिया जा सकता है उसको कोई भी फॉर्मेशन दी जा सकती है और उसको बड़े बड़े साइज में मोल्ड कर लिया जाता है ठीक है जैसे कि एक पिक्चर मैंने आपको स्क्रीन पर तो ऑलरेडी दे रखी है ठीक है तो हॉट रोल्ड स्टील का ये फायदा होता है टिपिकली दे आर चीपर देन कोल्ड ठीक है जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी कोल्ड रोल्ड स्टील की ठीक है उनसे सस्ते पड़ते हैं हॉट रोल्ड स्टील ठीक है ड्यू टू द फैक्ट इट इज ऑफ्टन मैग्युफैक्चर्ड विदाउट एनी डिले इन द प्रोसेस क्योंकि इनको जनरली क्या किया जाता है रिक्रिस्टलाइज किया जाता है और रिक्रिस्टलाइज करने के बाद इसको जो भी शेप देना होता है वहीं के वहीं शेप दे के आप क्या कर देते हैं आगे कैरी ऑन करा देते हैं लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ये होती है कि वेन द स्टील कूल्स ऑफ इट विल श्रिंक स्लाइटली ये श्रिंक कर जाता है क्या हो जाता है थोड़ा सा श्रिंक करता है ठंडा होने के बाद क्योंकि हॉट रोल्ड है मतलब आपने क्या करा इसको मेल्ट करा मेल्ट करने के बाद आपने क्या कर दिया इसको वही शेप दे दिया जो भी शेप आपको चाहिए था जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर में दिखा रखा है तो यही शेप में आपने सीधे इसको क्या कर दिया खांचे में डाल के शेप दे दिया ठीक है लेकिन सूखने के बाद क्या होगा ठंडा होने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है जिसपे जिससे साइज और शेप पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता ठीक है एज कम्पेयर टू कोल्ड रोल्ड ठीक है कोल्ड रोल्ड देखिए यहाँ पे क्या है अगर मैं बात करूँ तो शेप और साइज बहुत ज़्यादा क्या होता है जरूरी है हमारे लिए अब जैसे कि यहां पे हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं जो हॉट रोल्ड बार्स होते हैं हमारे यहां पे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं रेल रोड ट्रैक्स बनाने के लिए आई बीम्स बनाने के लिए ठीक है तो हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन इज इन वेयर शेप एंड टॉलरेंस आर नॉट रिक्वायर्ड जैसे अगर रेल रोड ट्रैक्स की बात करूं या आई बीम्स की बात करूं ठीक है तो वहां पर प्रिसीजन चाहिए होता है ऐसा नहीं कह रहे कि हम प्रिजन नहीं चाहिए लेकिन एक नेक्स्ट लेवल ऑफ हाई हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रिसीजन नहीं चाहिए ठीक है थोड़ा बहुत अगर श्रिंकेज देखने को भी मिल रहा है तो हम उसके अंदर क्या देते हैं

ठीक है अब मेरे पास दिक्कत आ रही थी तो मैंने क्या किया एक नया तरीका ढूंढा नया तरीका क्या था हॉट हटा के कोल्ड कर दिया कोल्ड में क्या है भाई समझते हैं ठीक है देन हाउ कोल्ड और स्टील केम इन टू एग्जिस्टेंस कैसे आया एग्जिस्टेंस के अंदर ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें ठीक है अगर मैं बात करूं कोल्ड फॉर्म स्टील की ठीक है तो रीजन कोल्ड फॉर्म स्टील फ्रेमिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है सबसे पहले तो रीजन फिर जानते हैं क्या है चीज़ है ये ठीक है फायदा ये मिलता है कि भैया ये लाइट वेट होता है वजन में हल्का होता है ठीक है एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है मतलब मजबूत भी बहुत है ठीक है नॉन कम्बस्टेबल मतलब आग आसानी से नहीं पकड़ता ठीक है आप ऐसा कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली फायर रेजिस्टेंट होता है भाई ठीक हो गया ठीक है फायर रेजिस्टेंट के साथ साथ रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल क्यों क्योंकि वजन में हल्का है स्ट्रांग है ठीक है वजन में भी हल्का है स्ट्रांग भी है ठीक है मतलब आप इजीली क्या कर सकते हैं उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं कैरी ट्रांसपोर्ट वगैरह भी उसको इजीली कर सकते हैं ठीक है तो इट हैज डोमिनेटेड द मार्केट फॉर इंटीरियर डिजाइन इंटीरियर में आप क्या कहते हैं पार्टीशनिंग करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं नॉन बियरिंग जैसे कि मैंने बोला कि पार्टी नॉन बियरिंग पार्टीशन वॉल्स बना लिया आपने कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आज के डेट में ठीक है विद द एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लाइक पेनलाइज सिस्टम बीच में आप क्या करते हैं जैसे कि आपने जनरली अगर मैं बात करूं तो बड़ा सा कोई हॉल है और आप उसके अंदर कंपार्टमेंट बनाने हैं तो आप कंपार्टमेंट एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं और इन

कम लगाएगा, ठीक है फोर्स कम लगाएगा तो भैया की है ठीक है नीचे भाई क्योंकि सारा का सारा लूट जाना कहाँ पे मिट्टी के अंदर जाना है और मिट्टी के अंदर अगर जाना है तो सीधी सी बात यह है कि कम से कम लोड भेजे तो फेलियर होने के चांसेस कम से कम रहेंगे तुमने कहा ना भाई ये लाइट वेटेड है मतलब डेड लोड जो बिल्डिंग का अपना वेट है वो भी तो कम हो गया अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कितना फायदा मिल रहा है भाई स्ट्रॉन्ग भी है नॉन कम्बसिबल भी है ईजी टू तो इंस्टॉल भी है सारे फायदे मिल रहे हैं इससे सिर्फ इतने ही फायदे नहीं मिलेंगे जब ईजी टू इंस्टॉल होगा तो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमाएगी क्यों क्योंकि भाई एक आप मान के चलिए कि आपने एक के अंदर क्या है थर्माकोल भर के भेजी एक ट्रक के अंदर और एक ट्रक के अंदर बड़े बड़े पत्थर भर के भेजे किस में ज़्यादा फ्यूल लगेगा जिसमें बड़े बड़े पत्थर क्यों क्योंकि उसको खींचने में ट्रक को ले जाने में पावर ज़्यादा लगेगी तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा डीजल ज़्यादा लगेगा ठीक है लेबर भी कहेगी कि भैया ज्यादा मेहनत कर रही ज्यादा पैसा चाहिए ठीक है तो भैया सारी की सारी कॉस्ट भी क्या आएगी ज्यादा निकल के आएगी सही कह रहा हूँ मुझे साहब ठीक है तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है आशीष गुप्ता जी कह रहे हैं सर लास्ट टाइम आपने गेट कब दिया था देखिए मैं हर साल गेट देता हूँ हर साल देता हूँ मैं गेट क्या होता है कि देखिए गेट का फायदा ये रहता है ठीक चलिए लास्ट में बात करते हैं अभी फिलहाल ठीक है पहले इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं कोल्ड फॉर्म स्टील फ्रेमिंग इज रैपिडली बिकमिंग द मटीरियल फॉर चॉइस ठीक है समय के साथ इतनी तेजी के साथ मटेरियल फॉर चॉइस मतलब एक ज़रूरत की मटेरियल बनता चला जा रहा है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ठीक है तो बेसिक नॉलेज ये जो हमारी एक सीरीज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं कभी हम इंटरव्यू में जाते हैं कभी हम किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं कोई छोटे छोटे एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के हमसे पूछ लेता है तो वो कहाँ से आंसर करेंगे इन्हीं जब बेस हमारा क्लियर होगा ठीक है ना तो बेस को थोड़ा सा काम करते हैं अपने बेस के ऊपर ठीक है तो जैसे स्टूडेंट की डोमेट्रीज और हॉस्टल्स वगैरह में ठीक है वहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं हम क्या करते हैं बेड बनाते हैं डबल डेकर बेड्स बनाते हैं ठीक है तो इसी फ्रेम का बना लेते हैं असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ बना रहे हैं ठीक है जैसे कि आप अगर जाते हैं कहीं आप ऐसा कह सकते हैं शेयरिंग होटल्स वगैरह होते हैं मोटेल्स वगैरह होते हैं ठीक है तो वहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं होटल्स अक्रॉस द कंट्री ठीक है तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है वेर प्रूडेंट डेवलपर्स आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों क्योंकि आप देखिए पहले तो पैसा कम लग रहा है वेट में हल्का है स्ट्रॉन्ग है फायर रेजिस्टेंट है अच्छा फायर रेजिस्टेंट है ठीक है भैया कुल मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम निकल के आ रही है हालांकि कोल्ड जो स्टील है वो हॉट रोल से महंगा पड़ता है लेकिन लेबर की कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हैंडलिंग कॉस्ट सारी की सारी कॉस्ट घट रही है तो ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आती है कम निकल के आती है तो जो इन्वेस्टर होता है जो कि अपना पैसा लगा रहा है उसकी जो इन्वेस्टमेंट कम लगी इन्वेस्टमेंट कम लगी लेकिन फायदा तो आज भी उतना ही मिल रहा है ठीक है मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो उसका रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो भैया ये फायदा भी मिल रहा है ठीक है और देखते हैं भाई वट इज़ कोल्ड फॉर्म स्टील देन तो ज़रूरत तो हमें पता चल गई लेकिन है क्या चीज़ ये ये क्या है कोल्ड फॉर्म स्टील मेंबर्स आर मेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल क्वालिटी शीट स्टील शीट्स आती हैं ठीक है थीके? ना उन शीट्स की मदद से ठीक है जैसे कि आप आ, कभी फैक्ट्रीज़ वगैरह में जाएं तो फैक्ट्रीज वगैरह में आप देखेंगे ठीक है शीट्स आती हैं ठीक है जैसे कि टेन की शीट होती है ऐसे ही रोल करके शीट्स आती हैं उन शीट्स को हम डायरेक्टली किसमें सी सेक्शंस में क्या कर देते हैं ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ऐसे सेक्शन में ठीक है ऐसे सेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ठीक है एंड एनी अदर शेप जो भी आप शेप में आप चाहें ठीक है डाई की मदद से आपने उसको मोड़ ठीक है और फिक्स कर दिया ठीक है अब इसमें कोई भी आपने इसको ऐसा नहीं करा कि भाई इसको एक 930 डिग्री सेल्सियस पे लेके फिर इसको पिघलाया पिघला के 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 उसको जो भी मोल्ड अंदर डाल के शेप दिया ना ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप ठीक है जो शीट आई शीट को आपने काट के उसको जो भी शेप देना था वो शेप में मोल्ड करके दे दिया तो इसमें कोई भी, किसी भी तरह की नो हीट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द शेप्स कोई हीट नहीं ठीक है द नेम इज कोल्ड फॉर्म स्टील ठीक है किसी भी तरह की आपने गर्माहट कोई भी तरह की हीट आपने प्रोवाइड नहीं करी और इसको सीधे मोल्ड करने के प्रोसेस की वजह से इसको कोल्ड फॉर्म स्टील कहा जाता है ठीक है अ वेराइटी ऑफ स्टील थिकनेस आर अवेलेबल टू मीट अ वाइड रेंज तो अलग अलग थिकनेस में आती है ऐसी भी कोई चिंता नहीं है कि सर तो पांच एमएम कितनी थिकनेस में शीट आती है पांच एमएम छ अलग अलग वेरायटी की अलग अलग थिकनेस की आती है कहीं पे आपको आ, सिर्फ पार्टीशन करना है ठीक है तो पता है कि भाई पाँच एमएम की थिकनेस में काम चल जाएगा आपको पता है कहीं पे लोड बियर कराना है तो वहाँ थिकनेस कंपेरेटिवली ज़्यादा चाहिए ठीक है तो अलग अलग थिकनेस में आ रही है जैसी आपकी जरूरत है उस थिकनेस में आप इस शीट को अवेल करा लीजिए अपने लिए ठीक है तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसके ठीक है तो सी एफ एस कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैज मैनी एडवांटेजेस जैसे कि सी एफ एस डजेंट श्रिंक और स्प्लिट ये किसी भी तरह से श्रिंक नहीं करता फटती नहीं है आसानी से स्प्लिट नहीं होती है ठीक है मॉइस्चर को एब्जॉर्व नहीं करती है अब देखिए उसमें क्या दिक्कत थी हॉट रोल्ड में ये थी कि भाई उसमें क्रोजन हो जाता था आसानी से इसमें क्रोजन भी आसानी से नहीं होता है इसका सरफेस भी बिल्कुल चमकता हुआ निकल के आता है ठीक है ना रेजिस्ट वार्पिंग मतलब वार्पिंग का मतलब मुड़ती नहीं है आसानी से ठीक है टर्माइट्स और फायर से भी बची रहती है टर्माइट्स मतलब दिमाग वगैरह भी इसमें जल्दी से नहीं लगती है सही बात है बहुत बढ़िया इसके अलावा फायर रेजिस्टेंट है अभी हालांकि हमने इस पर बात भी करी ठीक अब मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो बीच में जैसे कि रावण शुभम जी कह रहे हैं कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए मैंने आपको अक्सर मैंने बच्चों को एक बात कही है कि मैं सेशन के लास्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम बुक सी उसको सुनूंगा ठीक है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कोशिश करें कि उस बात को सुने क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे जब मैं कुछ काम चीज़ पर्टिकुलर पढ़ा रहा होता हूँ तो दिमाग उधर चल रहा है फिर वो कहेंगे हमें ये समझ में नहीं आया था तो प्लीज़ ऐसे ऐसी ऐसी हरकत प्लीज़ ना करें ठीक है मैं आपकी पास सुनूंगा लेकिन थोड़ा सा पहले टॉपिक को पढ़ लीजिए आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ ठीक है और देखिए एडवांटेज द क्वालिटी ऑफ सी एफ इज कंसिस्टेंट मतलब इसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है ऐसा नहीं है कि आज इसकी कुछ क्वालिटी थी थोड़े टाइम के बाद डिग्रेड हो गई ठीक है मतलब एक कंसिस्टेंट क्वालिटी है ठीक है जिसमें कोई चेंज समय के साथ जल्दी से नहीं आता जिसकी वजह से इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी होती है मतलब कि जब इसकी डिजाइन लाइफ है जो कि जितने समय में आप इसको, इसको इस्तेमाल करने वाले थे इस्तेमाल भी कर लिया अब वो हमारे किसी काम की भी नहीं है कि हमने कहा कि भाई ये स्टील जो है 20 साल में बेकार हो जाएगा हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल तो डिज़ाइन लाइफ 20 साल की है 20 साल के बाद भी आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं ऑल ऑफ इट इज रिसाइकलेबल ठीक है रिसाइकलेबल है ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज अलाउ इट टू यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ इन्वॉमेंट्स अलग अलग मतलब अभी तक क्या होता है जैसे कि अगर आप ध्यान दें अगर आप सर्दियों में लोहे को लोहे की अगर पाइप वगैरह को लगाने की कोशिश करते हैं ठीक है जैसे कास्ट आयरन के पाइप इस्तेमाल करिए ठीक है ठीके? तो वो अकड़ जाता है ठीक है अकड़ जाता है उसको आसानी से उसे फिटिंग करना मुश्किल हो जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता ठीक है तो अलग अलग वेराइटी हॉट इन्वायरमेंट में विंटर इन्वायरमेंट में कैसे इन्वायरमेंट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं बहुत तेज़ हवा आ रही हो ठीक है अर्थक्वेक रीजन हो सब जगह इट मेक्स आइडियल फॉर कंस्ट्रक्शन इन रीजन सब्जेक्टेड टू हाई विंड्स एंड अर्थक्वेक्स ठीक है या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट जब भी भी हम क्या करते हैं एक कोल्ड फॉर्म स्टील बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा स्क्रैप होके हमने भेजा था ना हमने कहा रिसाइकलेबल है तो उसका पच्चीस परसेंट हिस्सा तो हम मिलाते ही मिलाते हैं और ये इस्तेमाल होने के बाद हंड्रेड परसेंट रिसाइकलेबल है मतलब आप समझिए बात समझिए कि आपने एक पूरा पार्टीशन करा और उसमें आपका डिजाइन लाइफ पूरा हो गया और जितना स्टील आपने लगाया था कोल्ड फॉर्म स्टील उतना सारा का सारा रिसाइकल हो गया आ गया कुछ वेस्ट ही नहीं हो रहा है अपने आप में एक गजब की बात है आप टिम्बर लकड़ी इस्तेमाल कर लो ईंट इस्तेमाल कर लो ठीक है सीमेंट इस्तेमाल कर लो क्या रिसाइकलीबल हो पाते हैं पूरी तरह से नहीं हो पाते क्या कीमत वो मिल पाती है नहीं मिल पाती इसमें मिल जाती है ठीक है तो मतलब आप समझिए जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उस पर रिटर्न इसमें कम्पेरेटिवली अच्छा मिलता है ठीक है और जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे आप अपना टाइम मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ अगर ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है ठीक है तो एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पैन एंड एमिट्स नो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साथ के साथ किसी भी तरह के कोई वॉलेटाइल मतलब कि कोई भी ऐसे तरह के कंपाउंड्स को रिलीज नहीं करता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाए तो आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे डेवलपमेंट को करेंगे कि भाई वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा ठीक है जैसे कि अभी कोरोना के समय में आप देख रहे होंगे रोज़ न्यूज़ में आ रहा है कि हमारी हवा इतनी प्रदूषित थी अब यमुना नदी साफ़ उसका पानी साफ़ हो गया गंगा वाटर जो है तीस परसेंट साफ हो चुका है हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा हो गया है सेफ जोन में आ चुका है ठीक है रोज़ ये खबरें आ रही हैं ठीक है थीके? ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है कि हम अब ये जो इन्वायरमेंट है जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे ठीक है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें रुकी हुई हैं इस वजह से वो पोल्यूशन का लेवल अपने आप डाउन हो गया और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होते रहने लायक ठीक है ना तो इट इज एन एक्सेप्शनल सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान या आप कह सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा ठीक है हर रोज पीडीएफ अटैच होता है अगले दिन ठीक है हर रोज जो भी क्लास होती है उसका अगले दिन इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसका पीडीएफ अटैच हो जाता है ठीक इट इज आइडियल फॉर कंस्ट्रक्शन इन आर्थकोक रीजन जैसे कि मैंने बात करी ठीक है इट इज इजी टू शिप क्योंकि भाई वेट हल्का था हैंडल असेंबल ठीक है जैसे कि मैंने बात करी कि भाई जब आ, क्या कहते हैं उसका वजन हल्का होगा तो आप इसको आसानी से शिप भी कर पाएंगे आप आसानी से इसको हैंडल भी कर पाएंगे ठीक है तो लेबर आपको चाहिए होगी वो भी बहुत ज्यादा आप ऐसा कह सकते हैं कि इतनी स्किलफुल नहीं चाहिए कि भाई उसको संभाल ना पाए ठीक है तो अगर आ, स्किल्ड अनस्किल्ड से स्किल्ड लेबर पर जाते हैं तो भाई जितनी ज्यादा स्किल्ड होती है उतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है उसको तो कॉस्ट कम होती चली जा रही है देखिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो कोल्ड फॉर्म स्टील फ्रेमिंग कैन लोअर द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बाय जैसे कि हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है भाई स्ट्रेंथ ज़्यादा है वजन कम है एक इसकी वजह से क्यों अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गई ठीक है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिल रही है तुम प्रीफर किसको करोगे इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कोल्ड में मिल रही है ठीक है पैनलाइजेशन कि भाई इसके पतले पतले पैनल्स बना के आप पार्टीशनिंग कर सकते हो आसानी से ठीक है शॉर्टर प्रोजेक्ट साइकिल्स जहां पे आप जो काम एक हॉट रोल स्टील से पंद्रह दिन में कर पा रहे थे क्यों क्योंकि उसकी हैंडलिंग मुश्किल थी उसकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल थी उसको उसकी फिटिंग मुश्किल थी ठीक है तो वही काम पंद्रह दिन में हो पा रहा था अब वही काम कितने दिन में हो जाता है दस दिन में हो जाता है क्यों क्योंकि ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है लेबर भी नखरे नहीं करता कि भैया मैं नहीं ले जा पाऊंगा यह बहुत काम है ये है वो है ठीक है और आप आसानी से साइड पर इंस्टॉल भी कर लेते हो जब आसानी से इंस्टॉल कर लेते हो तो दस दिन का काम पाँच दिन में हो रहा है पंद्रह दिन का काम दस दिन में हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा आप पहले एक साल में पाँच प्रोजेक्ट कर रहे थे अब आप सात प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो तो शॉर्टर प्रोजेक्ट साइकिल्स सही बात है क्यों क्योंकि जो प्रोजेक्ट पंद्रह दिन में पूरा होता था आप बारह दिन दस दिन में पूरा हो रहा है सही बात चलिए अगला बेटर रिजल्ट्स ड्यूरिंग विंटर टाइम तो जैसे कि हमने बोला कि एक कोल्ड फॉर्म स्टील जो है अब आप अलग अलग इन्मेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे पहले आप समर टाइम में इजीली इस्तेमाल कर पाते थे अब विंटर टाइम में भी इस्तेमाल कर पा रहे हो ठीक है अर्लियर प्रोजेक्ट कंप्लीशन जैसे कि अभी मैंने बात करी कि प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा टाइम इज मनी क्या जी साहब ये तो आप अच्छे से जानते हैं इसीलिए तो हैं पे यहाँ ठीक है तो टाइम इज़ मनी ठीक है इंजीनियरिंग हमें पता है बेटा तुम जेई क्यों बनना चाहते हो ठीक है तो हमें हमसे ना ठीक तो क्या कहते हैं बजट सेविंग भी हो जाएगी क्यों क्योंकि भाई जो काम आपने पंद्रह दिन में की बजाय बारह दिन में कर लिया तो तीन दिन की लेबर की कॉस्ट बची तीन दिन की क्या कहते हैं वहाँ पर जो आपने चौकीदार रखा था जो आपने क्या कहते हैं काम करने वाली लेबर रखी थी दुनिया भर के और कॉस्ट ठीक है बिजली बचेगी तीन दिन की पानी बचेगा ठीक है क्योंकि भाई लेबर रहेगा तो खाना भी खाएगा पानी भी पिएगा ठीक है तो तीन दिन की वो पूरी की पूरी कॉस्ट बच गई तो बजट सेविंग भी हो गई ठीक है नेक्स्ट है लोअर इंश्योरेंस रेट क्योंकि भाई क्या होता है कि कोई भी मटेरियल अगर हम लेके आते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं आप मैं बताऊं तो उस मटेरियल का इंश्योरेंस भी, हैं, का भी कराते हैं ठीक है एक बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस कराते हैं आप अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते, कराते हैं इसी तरह से मटीरियल का भी इंश्योरेंस होता है ठीक है अब हमें पता है कि भाई ये फायर रजिस्टेंट भी है मटीरियल आसानी से आग नहीं पकड़ता तो भैया जब आसानी से आग नहीं पकड़ता तो भैया इंश्योरेंस देने वाला भी कम रेट पे इंश्योरेंस दे देगा कहेगा कि भैया मटेरियल अच्छा है आसानी से ख़राब होगा नहीं दे दो भैया इसको कम में इंश्योरेंस क्या दिक्कत है ठीक है अब जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसमें इंश्योरेंस का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा ठीक है लोअर फायर रिलेटेड लीगल कॉस्ट ठीक है तो वही मैंने बोला कि भाई जो फायर रिलेटेड लीगल कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाती है कम हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि भाई ये आसानी से आग पकड़ेगा नहीं चीज़ें हमारी अच्छी चलती रहेंगी प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि लंबे समय तक चल पा रहा है आप सर्दी में जाओ सर्दी में लगा लो गर्मी में लगाओ गर्मी में लगा लो ठीक कही है कहीं इन्वायमेंट थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है फायर रेजिस्टेंट भी है ठीक है तो ये सारी की सारी क्वालिटी मुझे इसमें मिलती चली जा रही है सही बात है बहुत बढ़िया अब इसमें अगर बात कर लेते हैं ठीक है तो ये सारी की सारी बातें थी हमने जो कि एक मैं कोल्ड स्टील के ऊपर बात करना चाह रहा था ठीक है तो हमने बेसिक ये चीज़ सीखी कि कोल्ड स्टील के हम फ्रेम्स को बना रहे हैं डोमेट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डिंग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो मिड राइज़ हो चाहे हाई राइज बिल्डिंग्स हो ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं अपनी ओवरऑल कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं डेड लोड को भी कम कर रहे हैं और सारे के सारे फ़ायदे चाहे वो किसी इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना हो स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए हो वज़न कम करना हो ये सारे के सारे फ़ायदे हमें कोल्ड फॉर्म स्टील प्रोवाइड करता है ठीक है अब आप जो भी आपकी दिक्कत है आप उससे पूछ सकते हैं बता सकते हैं ठीक है चलिए आशीष गुप्ता जी गेट रैंक टू फाइव सेवन वन आई मिल सकता है नहीं मिल सकता ठीक है राशिव मुखर्जी एडवांटेज ही एडवांटेज बिल्कुल सही बात है ठीक है कह रहे हैं आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं फॉर ए प्लीज बताइए मैं बेटा ये अब मुझे बताना पड़ेगा तो बहुत ख़राब बात होगी लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ ठीक है एट्टी परसेंट सब्जेक्ट्स मैं सिविल के पढ़ाई देता हूँ ठीक है ना एट्टी परसेंट कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो मैं ना पढ़ा पाऊँ ठीक है और इस बात के तो सबूत हैं हमारे नितान साथ नितान साहब क्यों गलत कह रहा हूँ क्या मैं नॉन यूटी पर कह रहा है सर एक लेक्चर बी एम के न्यूमेरिकल पर बना दो प्लीज़ अच्छा चलिए और हाँ एक यहाँ पे मुझे लगता है आमिर खान जी आमिर खान जी मैंने देखा आपके कमेंट सेक्शन में देखा आपके कमेंट्स को तो आमिर खान जी एक मेरी गुजारिश रहेगी आपने इंग्लिश पे काम करें जैसे कि आमिर खान जी का ने मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ या आपको अदरवाइज नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ जैसे कि आपने बोला कि सर इंग्लिश के टेक् टेक्निकल शब्दों पे आप मेरे लिए एक हिंदी का वीडियो बना दीजिए लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते रहेंगे ये सिलेबस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और टेक्निकल शब्द तो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे ठीक है ना अब आप ये चाहते हैं कि जैसे अगर मैं फ्रेमिंग का मतलब मैं आपको बताऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है ना तो खाँचे अगर मैं ये बताता घूमूंगा तो ये बहुत दिक्कत होगी तो राधा देन कि आप मुझे ये बताएं कि आप टेक्निकल शब्दों का हिंदी मतलब के एक वीडियो लेक्चर बनाइए राधा देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा और हर बच्चे को जिसको हिंदी हिंदी में है मैं मानता हूँ चलिए ठीक है देश है हमारा भारत है हिंदी पे काम करता है ज़्यादा लेकिन आप जान अगर आप मैं आपको बोलूँ तो ये इंग्लिश में ही इंजीनियरिंग का मतलब इंग्लिश में ही होती है ठीक है ना कुछ कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा हिंदी में करा देते हैं जिनकी वजह से बच्चों को आगे फिर दिक्कत आती है ठीक है तो इंग्लिश ऐसा नहीं है इंग्लिश पे काम करेंगे ठीक है बचपन से हिंदी भी सीख के पैदा थोड़ी हुए थे ठीक है तो इंग्लिश पे भी काम करेंगे तो दो तीन महीने में, में एकदम फ्लूएंट हो जाएंगे आप ठीक है बाकी कह रहे हैं मुझे ये बताओ कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए ये तो आपकी इच्छा है आशीष गुप्ता जी अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं तो ओके एस एस सी जेई में जो मिसिल टॉपिक जैसे वाटर टैंक रिटेनिंग वॉल भी करा दीजिए ऋषभ मुखर्जी देखिए क्या होता है ना मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कराने को मैं सब करा दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्या होता है मैंने अक्सर बच्चों को एक चीज एडवाइस करी है ये इतना बड़ा सिलेबस होता है इस सिलेबस में से सौ क्वेश्चन आपको बताया कि एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टेक्निकल में से आते हैं अब या तो मैं पूरे सिलेबस को पढ़ते रहूँ और हालांकि अगर मैं पूरे सिलेबस को पूरी टाइम पढ़ता रहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत लंबे समय तक क्या कहते हैं ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी और फिर मैं ये कहूँगा सर मैं वो पढ़ता हूँ तो ये भूल जाता हूँ ये पढ़ता हूँ तो वो भूल जाता हूँ तो राधा देन क्या कहते हैं मैं ऐसा कहूँगा कि एक ऐसे स्टूडेंट जो कि सब पढ़ना चाहता है और जो कि ये करना चाहता है कि मैं सब पढ़ दूंगा दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान ले लूँगा ठीक है तो मैं आपको बताऊँगा बींग अटे मेंटर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आज भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शायद मुझे एक सिविल इंजीनियरिंग आती होगी शायद एक भी नहीं ठीक है और मैं हर रोज मैं अपने लिए नई नई चीज़ें खोजता हूँ रोज़ रोज नई रो नई चीज़ें आप देखते भी होंगे मैं आप लोगों के लिए लाता भी हूँ ठीक है बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी निकालता रहता हूँ ठीक है और कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को भी नई नई चीज़ें सिखाऊं ठीक तो हम एक चीज़ फ़ायदेमंद चीज़ कर सकते हैं कि जो भी प्रिसाइजली हमें चाहिए एग्जामिनेशन के लिए वो पॉइंट्स को ढूंढ लें उन पॉइंट्स के ऊपर काम करके एग्जाम को क्रैक करके अपना जॉब जो हमें चाहिए वो हम क्रैक करके ले जाएं ठीक है तो इन फिल्मस को हमें ढूंढना पड़ेगा और ये फिल्स तभी आती हैं जब हम रेगुलर बेस पे स्टडी करते हैं और जो मैंटोर आपका देखिए ऐसा हो सकता है कि शायद आपको लगता हो कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आपको जिस जो भी मैंटर आपको लगता है कि हाँ वो शायद आपको सही बताता है आप उसको फॉलो करिए मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि शायद दुनिया में शायद बेस्ट मैं हूँ ठीक है मेरे से भी बेस्ट लोग होंगे ठीक है तो आप उनको फॉलो करके चीज़ें अच्छी कर सकते हैं ठीक है ऋषभ जी और हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ लेकिन वो सिर्फ पेड सेशन में है राजस्थान जी का जो बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ठीक है ना और क्या, क्या क्या मैं बता देता हूँ तीन से चार उसकी टेक्निकल की क्लास चल रही है ठीक है लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तीन से पाँच तीन से पाँच तीन से पाँच चलेगी टेक्निकल की क्लास और थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ठीक है एक घंटा टेक्निकल चलेगा और एक घंटा नॉन टेक चलता है ठीक है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे दो दोनों घंटे दो दो घंटे क्या चलती है आपकी सिर्फ टेक्निकल चलती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी टेक्निकल एक घंटे और नॉन टेक्निकल एक घंटे चलती है राजस्थान के बैच के अंदर जो कि आपको अड्डा टू फोर सेवन की एप्लीकेशन में मिल जाएगी ठीक है आप वहाँ जाके इसको ले सकते हैं दूसरी बात मैं बता देता हूँ कोड मैंने आपको बता रखा है वाई आप उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब जैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल की क्लास भी सर रेगुलर बेस पे आप मंडे से वेडनेसडे सैटरडे करा दीजिए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नॉन टेक्निकल का सिलेबस कंपैरेटिवली टेक्निकल से छोटा होता है तो हमने इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि टेक्निकल की क्लासेस भी ज़्यादा हो जाए नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी टाइमली पूरा हो जाए ठीक है और बुक के लिए बात कर रही थी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बच्चे का भी मैसेज आया था कि क्या कहते हैं सर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैं क्या कहते हैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और कॉलेज में मेरे जल्द एग्जाम होने वाले हैं और मुझे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मैथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ठीक है तो उसने मुझे कमेंट करके और टेलीग्राम के थ्रू भी बताया तो मैं कल उसके लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड लेके आ रहा हूँ और कल लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ठीक है उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कराऊंगा ठीक है तो इसी तरह अगर आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताते रहें ठीक है तो मुझे लगेगा अगर वो एडुकुएट है ठीक है तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल आपके लिए करूँगा ठीक है हाँ। अब देखिए देवेंद्र साहब कह रहे हैं सर पेनलाइजेशन क्या होता है देखिए इंग्लिश का शब्द है फिर मैंने बोला कि आप अगर अपनी इंग्लिश पे काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी पेनलाइजेशन मतलब पतले पतले पैनल्स बनाना जिनकी मदद मतलब से आप पार्टीशन करते हैं ठीक है आप कब पढ़ते हैं सर बताइए रितेश पांडे जी मैं तो पूरी रात बैठ के पढ़ता हूँ देखिए आज भी ठीक है तो ये सारी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं ठीक है थीके? रेगुलर बेस पे देखिए मैं भी आज पढ़ता हूँ रेगुलर बेस पे मैं भी रिविजन करता हूँ रेगुलर बेस पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ ठीक है कैसे आप आपको लगता होगा कि शायद मेरे अंदर एक कोई चिप लगी है जिसकी वजह से मेरे को पूरी सिविल याद रहती नहीं रेगुलर बेस पे आज भी मैं उस रिविजन को फॉलो करता हूँ ठीक है ना तो उस रिवीजन को फॉलो करते रहते हैं हम और आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं ठीक है जिस सब्जेक्ट को आप मैं बोलता हूँ कि कम से कम हर सब्जेक्ट को पाँच से दस बार पढ़िए हर सब्जेक्ट को कम से कम पाँच से दस बार जैसे आज मैंने कोल्ड डिफॉर्म्ड बार्स के बारे में आपको कोल्ड फॉर्म्ड बार्स के बारे में बताया आपको स्टील के बारे में इसको कम से कम पाँच छः बार देख लीजिए यहाँ सेट करना है कम से कम वीडियो को घुमा घुमा के देखिए घुमा घुमा के देखिए ठीक है ना उसके ऊपर अपनी अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए और अपनी तरफ से और इनिशिएटिव लीजिए क्योंकि जो इनिशिएटिव नहीं लेता ना दोस्त उसके साथ प्रॉब्लम आती है ठीक है ना अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जिम ट्रेनर आपको बॉडी बना के दे देगा तो शायद पॉसिबल नहीं है मेहनत आपको जिम में जा खुद ही करनी पड़ेगी तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक टीचर आपको क्या कहते हैं शायद सब कुछ याद करा के दे देगा नहीं टीचर आपको गाइड कर सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट डेटा प्रोवाइड कर सकता है बेस्ट से बेस्ट समझा सकता है लेकिन यहाँ फिट करने की जिम्मेदारी आपकी है ठीक है ना और आशीष गुप्ता जी देखिए फालतू के सवाल प्लीज़ ना पूछिए मैं जानता हूँ कि आप पता नहीं क्यों इस तरह के सवाल करते हैं ठीक है एस एस सी जी कब तक हो सकता है जबकि मैं आपको रेगुलर बेस पे बता रहा हूँ कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता और न्यूज़ को फॉलो आप लोग कर नहीं रहे हैं जबकि हालांकि उसके ऊपर मैंने एक सेशन भी किया है उसके अंदर मैंने बताया भी है कि तीन मई के बाद नई रिलीज डेट्स रिलीज़ होंगी ठीक है जिसके क्योंकि देखिए ये कोरोना एक ऐसा संकट है जो कि देश में पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया ठीक है ना और आज आपको घर में बैठे बैठे जो क्लासेज मिल रही हैं शायद मुझे लगता है इस वजह से आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कितनी परेशानियों के साथ ये लेक्चर्स हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए आ, मैं ना इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा लेकिन फिर भी ये रहेगा कि इस इस मैथ को इस डेटा को थोड़ा सा आ, मैं कहूँगा कि इसको समझें थोड़ा बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा ठीक है रितेश पांडे जी कह रहे हैं सर हम पूछ रहे हैं कि समय क्या है आपके लेक्चर का देखिए जो राजस्थान जी का बैच है वो तीन से पाँच चलता है दिन में ठीक है और यूट्यूब की क्लास जो है रात को ग्यारह बजे लिए आपका सॉइल का अरबी कोर्स सफिशेंट है आशीष शर्मा जी ठीक है देखिए आशीष शर्मा जी क्या कहते हैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा बेस्ट तरीके से पढ़ाता हूँ और राजस्थान जेई के अंदर भी सॉइल को पढ़ाया जाएगा ठीक है आप उसको कर सकते हैं स्टेट जूनियर एग्जाम आप डिपेंड करता है अवनी जी कि आप कौन से स्टेट जूनियर एग्जाम को देना चाहते हैं उसके पुराने पेपर्स को निकालिए उसके पुराने पेपर्स को एवेलूएट करिए कि भाई इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा है किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा है किस सेक्टर से क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर जाएँ सर्च करें कि एस एस के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना जरूरी है या डी एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना जरूरी है तो पिछली बार मैंने एनालिसिस करके बताया था कि डी एग्जाम के अंदर ये पर्टिकुलर जगह से चीजें ज़्यादा आती हैं और नब्बे पेपर हमारे एनालिसिस के ऊपर ही आधारित आया था ठीक है जो बच्चे हमारे साथ उस टाइम भी पढ़ रहे थे उन्होंने ये चीज नोटिस करी होगी और एस एस के अंदर भी सिक्सटी सिलेबस से सेवेंटी सिलेबस हमारे पढ़ाए हुए में से ही आया था ठीक है देखिए फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं आशीष गुप्ता जी ठीक है ना आप फ्रस्ट्रेट होंगे ठीक है चीजें खराब होंगी ठीक है लेकिन जीवन में आप बताइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ठीक है बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा थॉमस एल्वा एडिशन जिन्होंने बल्ब बनाया ठीक है मेरे सामने बल्ब लगा हुआ है जिस बल्ब की रोशनी में आज हम बैठे हैं आप सभी के सामने लगा होगा थॉमस एल्वा एडिशन ने कम से कम वन थाउजेंड टाइम्स बल्ब को बनाने की कोशिश करी थी और वो फेल हुआ था उसके बाद शायद एक हज़ार एक बार जब उसने बल्ब को बनाया तब वो एक बार सक्सेसफुल हुआ और एक बार की सक्सेस आज पूरी दुनिया को रोशनी दे रही है ठीक है उसका नाम को उसने अमर कर दिया ठीक है तो आप वो थॉमस सेल एडिशन बन सकते हैं लेकिन वो कैसे बन सकते हैं अपनी कोशिश को जारी रखिए फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ठीक है देखिए एस्पिरेंट सब हैं लेकिन आगे निकलने के लिए क्या करना होता है बात को सुनना होता है बींग अ गुड लिसनर इज अ गुड प्रोसेस फॉर द सक्सेस यू हैव टू बी अ गुड लिसनर दिन अ गुड स्पीकर ठीक है पहले सुनना सीखिए आप बोलना सीख गए हैं सुनना सीखिए बोलना सीख गए हैं सुनना सीखिए बोलना सीख गए हैं ठीक है इसके अलावा सत्या सिंह जी कह रहे हैं कि सी का डेंसिटी क्या होगा सी एफ के डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ठीक है तो कोल्ड फॉर्म स्टील की डेंसिटी सेम देखिए प्रोसेस वही है ठीक है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हॉट रोल्ड स्टील जो होता है वो कोई अलग होता है और कोल्ड फॉर्म स्टील ठीक है इट इज मिस्टेकन कोल्ड फॉर्म स्टील एंड हॉट रोल्ड स्टील आर सेम स्टील्स ठीक है बस एक उसका मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन डेंसिटी सेम लगभग होती है ठीक है कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता ठीक है लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ठीक है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या कहते हैं दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टील ठीक है इसका जो क्या कहते हैं आप कह सकते हैं टेक्स्चर जो होता है वो थोड़ा सा अलग निकल के आता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा करिए ठीक है और सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के थ्रू भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है मैं आप लोगों को देखिए गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ ठीक है हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ अच्छे से अच्छी आपकी जो भी मदद हो सकती है वो करूँ लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ देखिए ठीक है मेरी गुजारिश भी रहेगी ठीक कि देखिए मेरे को नाम तो याद नहीं है अक्सर मैं इस चीज़ पे थोड़ा गौर नहीं करता हूँ कुछ बच्चे क्या करते हैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा गलत का तरीके के कमेंट करते हैं ठीक है वो इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं करते हैं कि एक सामने वाला जो भी आप लोगों को ये चीज़ें डिलीवर कर रहा है उसमें कितनी मेहनत होगी कि उसके पीछे कितना प्रोसेस रहा होगा ठीक है जिस तरह से आप लॉकडाउन में उस तरह से हम भी लॉकडाउन में हैं और रितेश पांडे जी कह रहे हैं फेसबुक पे किस नाम से हैं सर अरे भैया जो नाम होगा शुभम अग्रवाल उसी नाम से हैं ठीक है तो बस कोशिश ये रहती है कि आप लोग थोड़ा सा उसको समझें ठीक है हम आपके लिए बेस्ट करने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं हमारी बात ठीक है तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद मैं सिर्फ जेई के एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कराता हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो भी चीज़ मैं कभी भी पढ़ाता हूँ आपको इस बात का मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन चाहे गेट लेवल चाहे ई लेवल कोई भी लेवल ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन देना चाहें दे के आ सकते हैं मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से ठीक है तो उस चीज़ की बिल्कुल भी आप दिक्कत ना माना करें आ, बिल्कुल आमिर खान जी बहुत बहुत आप भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत बढ़िया ठीक है और रागिनी जी जो थी रागिनी जी कह रही थी कि मैं कॉलेज में हूं ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं अब मैं हफ्ते में दो सेशंस दो सेशंस पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए लेके आऊँगा जो कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं तो जो भी आपका दोस्त है कॉलेज में पढ़ रहा है या क्या कहते हैं कॉलेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं ठीक है तो वो दो सेशन मेरे उन लोगों के लिए डेडिकेटेड रहेंगे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ठीक है क्योंकि कॉलेज के उनके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कॉलेज उनके हो नहीं पा रहे हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक दो बच्चों के कॉमेंट्स के बिहाफ पर मैंने ये डिसाइड किया है कि क्या कहते हैं आप भी मुझे कमेंट करके अभी बताइएगा कि यहाँ फिजिबल रहेगा कि मैं उन लोगों के जैसे कि एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला फेसबुक पे मुझे मैसेज करके बोला कि सर मेरा एग्जाम है और जल्द मेरा एग्जाम होने वाला है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड मुझे नहीं आता एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में तो प्लीज़ आप उसके ऊपर सेशन करके मुझे एक बार समझा दीजिए तो कल मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मैथड पर जैसे सेशन लेके आ रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि बच्चा बच्चे ने मुझे अपनी तकलीफ को बताया मैं उस तकलीफ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी मुझे इसी तरह से अपनी तकलीफ को बता सकते हैं और जो भी बेस्ट होगा हम उसको करेंगे ठीक है ना जय साहब चलिए सीरियल वाइज नहीं मिलती है उसका एक कारण है मैं आपको बता देता हूं देखिए ये दो तरह की प्ले मैं बनाता हूं अपने चैनल के ऊपर एक जो होती है कॉमन सिविल इंजीनियरिंग की तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग की क्लास चलती है अदर देन मी ठीक है मेरे अलावा कोई भी सूरेन्द्र पढ़ाता है तो उसके अंदर सबकी क्लास ऐड होती है ठीक है ना लेकिन एक पर्टिकुलरली जैसे मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ बेसिक नॉलेज एक सीरीज चल रही है तो एक बेसिक नॉलेज करके भी सीरीज की एक पर्टिकुलरली क्या बनी है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप बेसिक नॉलेज की सीरीज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल लाइन से लगे होंगे तो आप चैनल पर प्लेस में जाकर देखा तो करिए कि कौन तै टाइप्स ऑफ स्टेयर केस ठीक है सनी जी टाइप्स ऑफ स्टेयर केस मेरे पास नोट हो चुका है और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ठीक है बहुत बढ़िया Uh, कुमेल हैदर जी देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ एक बच बच्च, कुछ बच्चे हैं जैसे शायद उनकी एक शिकायत है कि सर आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है किस इस प्ले लिस्ट के अंदर किस तरह से एडेड है अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली एक सिविल इंजन की प्ले लिस्ट के पीछे भागेंगे तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ़ वीडियोज़ मिलेंगी और फिर आपको ये दिक्कत आएगी कि ये सीरीज में नहीं है ठीक है ना नशीष गुप्ता का फिर से वही सवाल है सर गेट टू फाइव सेवन वन है आशीष गुप्ता जी मुझे लगता है कि आपको अब मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा ठीक है हालांकि जब इसका मैं जवाब दे चुका हूं तो इसका मतलब नहीं बनता है दोबारा आई एम स्केर बिकॉज माई मॉम एंड डैड एवरी डे सेंगर यूर नॉट सेलेक्शन एन डिपार्टमेंट सो नेक्स्ट ईयर मेरिट प्लीज एंड आई ट्रस्ट यू ऑलवेज देवराज कुमार जी देखिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा ठीक है देखिए मैं जो आपके लिए बेस्ट कर सकता हूँ करूँगा ठीक है लेकिन जो भी चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा उसको आपको फॉलो करना होगा ठीक है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं उस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको वो जॉब जिस चीज की आप इच्छा रखते हैं वो मैं आपको दिलाऊंगा लेकिन आपको मेरी बात को सुनना होगा उसको पर्टिकुलरली फॉलो करना ही होगा अगर आप कहीं भी कमी छोड़ेंगे इसका मतलब यह है कि आपकी और मेरी जो एक दोस्ती है इस चीज को लेकर पढ़ने और पढ़ाने को लेकर ये थोड़ी सी खत्म हो जाएगी ठीक है बिल्कुल अनिल जी टोटली वी कैन से इकोनॉमिकल होता है कोल्ड रोल स्टील ठीक है एंड आई होप आप लोग सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे ठीक है मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग ठीक और रागनी जी कह रहे हैं सर कॉलेज वालों के लिए आरसीसी सर फैमिली प्रॉब्लम कर, कर, कर इतनी पड़ती पर आप मुझे आर राजस्थान क्रैक करने में हेल्प इन टेक्निकल क्लास ठीक है पतवा जी मैं नहीं जानता हूँ कि देखिए आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि शायद आप मेरी टेक्निकल वाली जो राजस्थान जेगी की पेड क्लास है उसमें हैं ठीक है और अगर हैं ठीक है तो बहुत अच्छी बात है मैं उसमें आपकी ऑलरेडी हेल्प ऑलरेडी करने में जो बेस्ट तरीका हो सकता है कर रहा हूँ पी भी आपको रेगुलर बेसिस पर उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है और सेशनस भी आपको उसमें रेगुलर बेसिस पर मिल रहे हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में और क्या के कहते हैं अगर नहीं है तो उसमें इन्ॉल हो जाएँ आप ठीक है वर्षा जी कह रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टेयर के रेनफोर्समेंट कब बताओगे आप ठीक है डिज़ाइन ऑफ स्टेयर के रेनफोर्समेंट की ज़रूरत क्या है वर्षा जी पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ठीक है पीयूष जी उसकी भी बात कर लेंगे जल्द आमिर खान जी ने अच्छे से देखी चलिए बहुत अच्छा है अंजनी कुमार जी मेरा सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है सर बट हाईवे और इरीगेशन का सिलेबस कंप्लीट नहीं है अंजनी कुमार जी मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी एस एस वाली सीरीज ले सकते हैं ठीक है चैनल पे क्या कहते हैं अड्डा टू फोर सेवन के एप्लीकेशन में जाएंगे एस एस सी वाली जो मेरा बैच है आप उसको ले सकते हैं उसके अंदर हाईवे और इरिगेशन पूरी तरह से अवेलेबल है आप पढ़ सकते हैं एग्जाम को दीजिए बस तरीके से करिए ठीक है कह रहे प्राइमरी कंसल्टेशन ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सॉइल धर्मेंद्र कुमार जी आप सॉइल को थोड़ा सा पढ़ें आपका क्वेश्चन ही गलत है ठीक है कंसोलिडेशन एक्सपेंशन ऑफ पोर वाटर की वजह से होता है सॉइल की वजह से नहीं होता कहने जेई एग्ज़ाम में पाँच और चार मार्क्स से मिस हो गए हैं थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा हूं मुझे थोड़ा एग्ज़ाम मैनेजमेंट के बारे में बताइए अविन गौड के जी मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करें थ्री स्लॉट रूल मेरा थ्री स्लॉट रूल को सजेस्ट करें उसको फॉलो करें आप विद इन अ नो टाइम आप क्रॉस कर जाएंगे अपनी क्या कहते हैं जो भी आप क्रॉस करना चाहते हैं जो भी एग्ज़ाम हो जाएगा थ्री स्लॉट रूल मलिक तारिक जी आपने मुझे लगता है सेशन पढ़ा नहीं कोल्ड जो है ज्यादा इकोनॉमिकल पढ़ते हैं आमिर खान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल कुंवर जी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आपने सात साल का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है ये तो ठीक है इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन आपने डिसाइड किया गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ रेगुलर बेस पर आप पढ़िए हमारे साथ ठीक है और चीज़ें अच्छी होंगी ठीक है त्रिलोक कुमार जी फिर से आपका एक गंदा सा सवाल है ये बहुत ठीक है मैं राजस्थान जी का एग्ज़ाम मैंने फिर बोला कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक तो कोरोना की स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक एग्ज़ामिनेशन क्यों अच्छा एग्ज़ामिनेशन क्यों आगे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है जो जो है बड़ी परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ज़िंदगी का ख़तरा हो गया है ठीक है अब जब तक यही कंट्रोल में नहीं आएगा बताइए एग्ज़ाम तुम ये अवेलहेट करो कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है उसके हिसाब से तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि कब होगा एग्ज़ाम भैया जब ये निपट जाएगा जब ही होगा एग्ज़ाम ठीक है तो इसमें जैसे कि मिक्स क्वेश्चंस ठीक है तो मेरी क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आप उसको लगा सकते हैं मेरा एक एस एस जेई का एक क्वेश्चन वाला बैच भी है ठीक है तो आप तो अगर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो उसमें जाके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं उस बैच को लेके और क्या कहते हैं रही बात क्वेश्चन की तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर भी ऑलरेडी कराए हैं ठीक है तो आप उसको भी कर सकते हैं ठीक है ना बिल्कुल निशा निशा जी नो पब्लिक गैदरिंग जून तक तो कभी पेपर हो ही नहीं सकता जून तक तो पॉसिबल ही नहीं है जुलाई से पहले पेपर होगा ही नहीं कोई पेपर नहीं होगा जुलाई से पहले ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पाँव बैठ के बैठ जाए अरे सर जून में देखेंगे फिर जून में कहोगे सर अब पेपर आ गया हम क्या करें हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ठीक है तो अपनी बिल्कुल तैयारी को ना छोड़ें ठीक है हाँ ठीक है फोर्थ सेम के प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ सेम देखिए मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो सेमेस्टर्स होते हैं ना ये सिर्फ कॉलेजेज में होते हैं कॉलेज में सेमेस्टर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप हर सब्जेक्ट को पार्ट्स पार्ट्स में स्टडी कर सकें और टाइम टू टाइम एक चार साल में एक बढ़िया तरीके से एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बने लेकिन हालांकि कॉलेजेज़ में क्या हो रहा है ये तो आप लोग जानते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसमें यह हो सकता है जो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपको हाइस्ट लेवल तक पढ़ा दूँ अगर जो सॉइल मेरे से पढ़ रहा है मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपने कॉलेज में जाइए और अपना पेपर उठा के देखिए उसके बाद मेरे से पढ़ने के बाद अगर आपसे सवाल नहीं लगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा अगर आपने ध्यान से मुझसे पढ़ा है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा ठीक है रितेश पांडे जी आप शुभम अग्रवाल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन करके सर्च कर सकते हैं मैं मिल जाऊंगा ठीक है तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप शेयर करते रहिए ठीक है थीके? कुछ नहीं आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप नीचे वीडियो के नीचे भी क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं राजस्थान जेई के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ठीक है बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है आप उसको ज्वाइन करें अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की अपलीकेशन को डाउनलोड करके ठीक है आपको मैंने डिस्काउंट कोड भी बता रखा है वाई आप इसको यूज़ करा करें सिविल इंजीनियरिंग एस्पेरेंट्स के लिए कोड क्या है वाई और आ, क्या कहते हैं रही बात दुखों की तकलीफ होगी तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं पढ़ के उसके ऊपर जरूर रिप्लाई करूँगा आप लोगों को और जो हो सकता है आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहूँगा ठीक है और आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं ठीक है जय हिंद जय भारत धन्यवाद थैंक यू